नमस्कार दोस्तों, अभी इस वक्त महमूदाबाद के न्यू विजन इंटर कॉलेज में मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ के संस्थापक हैं। तो जानने का प्रयास करेंगे कि अलग अलग जो इस तरीके से आज शिक्षा व्यवस्था को लेकर के लोग अच्छी अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं अपने कॉलेज में, तो आज यहाँ पे जो है सम्मान समारोह भी था और स्मार्ट क्लासेस की जो है शुरुआत भी होगी। तो सबसे पहले सर, हमारे चैनल में स्वागत है। आज जो स्मार्ट क्लासेस की शुरुआत हुई है, क्या उद्देश्य है कि जो शहरों में व्यवस्था है वो गांव क्षेत्र में भी व्यवस्था है? मैडम देखिए, हमेशा से मैंने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए हमारा निरंतर प्रयास रहा है कि हम अच्छी फैसिलिटी बच्चों को प्रोवाइड कर सकें, ताकि कम पैसे में बच्चे लखनऊ और दिल्ली जैसी जगहों पर शिक्षा ग्रहण करने के बजाय अपने गाँव क्षेत्र में ही शिक्षा ग्रहण करें, जो ऑनलाइन माध्यम भी रहेगा, ऑफलाइन माध्यम भी रहेगा, स्मार्ट क्लासेस के द्वारा भी उनको शिक्षा दी जाएगी, जिससे उनके उच्चतम स्तर में कोई कमी ना आने पावे। इसके दृष्टिकोण से ये महमूदाबाद में पहला पूरा कॉलेज जो है स्मार्ट क्लास किया गया, ना कि केवल सिंगल क्लास किया गया है, पूरा विद्यालय ही स्मार्ट क्लास कर दिया गया है। अब देखते हैं कि बच्चों को और भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और भी जो है मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर के जाएंगे जो आधुनिक है। और ऑनलाइन पढ़ाई जो चलती है, खास करके देखा जाए तो ज़्यादातर फ़ोन लोग यूज करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी फ़ोन देना पड़ जाता है, क्योंकि पढ़ाई जो है ऑनलाइन, जिस तरीके से कोरोना जैसी भयानक बीमारी में इस तरीके से स्कूल बंद थे, तभी से मोबाइल फ़ोन का यूज़ करना छोटे छोटे बच्चों ने शुरुआत कर दी। तो ये इस तरीके से जो आपने यहाँ नया एक कार्यक्रम शुरू किया है, मन में विचार कहाँ से आया कि स्मार्ट क्लासेस भी होनी चाहिए? एक्चुअली जो है दुनिया बहुत आगे निकल गई है इलेक्ट्रॉनिक, उसमें अब छोटे छोटे बच्चे स्मार्ट क्लासेस चला रहे हैं। मैडम कोई दिक्कत नहीं होती, हमारे नर्सरी और केजी के बच्चे जो हैं वो भी स्मार्ट क्लास चलाते हैं। तो हमारे दिमाग में ये बात आई कि क्यों ना स्मार्ट क्लासेस शुरू किया जाए, जिससे बच्चों का जो है एक कदम और आगे बढ़ करके उनकी शिक्षा में और इजाफा हो जावे, इसको देखते हुए स्मार्ट क्लासेस कराया गया। कितने साल पहले इसकी जो है? बस ये इसी साल इसका उद्घाटन किया गया, आज इनॉग्रेशन का दिन है और इसकी स्थापना जो है मतलब बस आज ही से शुरू हो गई है। शिक्षा के क्षेत्र में कैसे बच्चों को, जो बच्चे गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं हाई स्कूल के बाद, उनके लिए क्या संदेश? अब उसके लिए एक सबसे बड़ा कदम तो मैंने ये उठाया है कि ऑनलाइन के माध्यम से और डिस्टेंस कोचिंग क्लासेस के माध्यम से हमने IIT नीट JEE की भी व्यवस्था कर रखी है, जो बच्चे कम पैसे में यहीं पे ही तैयारी कर लेंगे, उनको लखनऊ और दिल्ली नहीं भागना पड़ेगा, जाने की जरूरत नहीं है। सारी व्यवस्थाएं यहाँ, सारी व्यवस्था यहाँ पे मिलेगी ऑनलाइन। यहाँ की फैकल्टी है वो गांव क्षेत्र से है या थोड़ा सा? फैकल्टी लखनऊ से है, फाउंडेशन क्लासेस और जी ग्रेड प्लस की फैकल्टी लगी हुई लखनऊ से, जो IIT और JEE नीट की भी तैयारी कराएंगे और हमारे 9 to 12 के बच्चों को भी देखेंगे। और बेस्ट फैसिलिटी हम खुद ही इम्प्रूव करते रहते हैं कि अच्छा शिक्षक मिलता है, तो जो पुअर स्तर का शिक्षक है उसको जो है हम बाहर करते हैं, अच्छा शिक्षक को ग्रहण करते हैं। आज सम्मान वितरण समारोह भी था, किन किन बच्चों को जो है पुरस्कार दिया गया? करीब 250 बच्चों को पुरस्कार दिया गया, जो बच्चे क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड आए थे उनको पुरस्कार दिया गया, उनके गार्जियनों को पुरस्कार दिया गया है, और जो बच्चों की रैंक, जो बच्चे अटेंडेंस में फर्स्ट आए हैं उनको पुरस्कार दिया गया है, और एग्जीबिशन कम्पटिशन था उसमें पुरस्कार दिया गया है, और हमारे जो पास आउट बच्चे थे, जो टॉपर 10th के बच्चे थे उनको इनाम दिया गया है, और जो 12th के टॉपर बच्चे थे उनको इनाम दिया गया है। बच्चों के भविष्य के लिए क्या कुछ नया कदम आगे? ये डिजिटल माध्यम के माध्यम से मैडम मैंने एक कदम उठाया है कि देखते हैं बच्चों को और भी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको भी लेकर के आएंगे, पैसे की कोई कमी नहीं है, शिक्षा जो है मतलब अच्छी मिलना चाहिए बच्चों को। कम पैसे में बच्चों को अच्छी शिक्षा तो दे रहे हैं, लेकिन कम पैसे में ये स्मार्ट क्लासेस नहीं आए मैडम, क्लासेस के लिए पैसा लगता है। पैसा लगता है। अच्छा, खास करके इतनी मेहनत करते हैं आप लोग और बच्चे भी मेहनत करते हैं, फिर उन्हें नौकरी के लिए दर दर क्यों भटकना पड़ता है इतनी मेहनत करने के बाद? अब मैडम नौकरी का तो सवाल है, लेकिन सत्य अब इसके लिए क्या कहें, बच्चे और मेहनत करें और ऊपर वाला चाहेगा उनको नौकरियाँ भी मिलेंगी, और मैं तो कहता हूँ कि नौकरी क्यों तलाश करें, वो नौकर देने वाला बने, नौकर क्यों बने, मालिक बने, नौकर मालिक बने, नौकर क्यों बने, पढ़ लिख करके जो है तो यही है कि हमारे बच्चे पढ़ करके रोजगार खुद ही जनरेट करने वाले बन जाएं, हम तो ऐसा उद्देश्य रखते हैं बच्चों के प्रति। ओके, धन्यवाद।